पहलवानों से यौन शोषण केस में बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय। तीन धाराओं में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। धारा 354, 354A और धारा 506 के तहत आरोप तय किए गए। महिला पहलवान यौन शोषण मामले में आरोप तय किए गए। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय किए हैं आरोप। बदरंत कुमार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के जुड़ गए। बदरंत बताइए और क्या जानकारी। देखिए बिल्कुल ये एक बड़ी जीत कह सकते हैं महिला पहलवानों के लिए कि कोर्ट ने उनकी बात सुनी और आरोप तय हो गए। जैसा कि धाराओं का जिक्र है और इन धाराओं के तहत हम देख रहे हैं कि धारा 354, 354A और 506 का जिक्र है, यानी आपराधिक धमकी, किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल, इस तरह के धाराओं के तहत जो है ये आरोप तय किए गए हैं। अब इसके बाद की प्रक्रिया को ये समझ लीजिए कि जिन धाराओं के तहत दरअसल आरोप तय हुए हैं, इन धाराओं के तहत उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ऐसे समय में कोर्ट ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये आरोप तय किए हैं जब चुनाव चल रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इसकी आंच, इसके छींटे जो हैं वो कहीं ना कहीं बृजभूषण के परिवार पर आएंगे। वो तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनके परिवार की भागीदारी इस चुनाव में है, तो जाहिर तौर पर वो कटघरे में खड़े होंगे। और निश्चित तौर पर महिला सुरक्षा का एक मुद्दा इस चुनाव में फिर से एक बार उठ खड़ा होगा जिस तरह से आरोप तय किए गए हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय। दो धाराओं में बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कि महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में आरोप तय। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की दिल्ली से, बृजभूषण शरण सिंह को लेकर बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय। दो धाराओं में बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय। राउच एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कि महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में आरोप तय। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय। तो बड़ी खबर, दो धाराओं में बृजभूषण पर आरोप तय। राउच एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कि महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में आरोप तय। मधुरेंद्र हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, पूरी खबर दर्शकों को बताइए। देखिए, आज सुनवाई चल रही थी राउज एवेन्यू कोर्ट में। मामला पूर्व अध्यक्ष जो कुर्सी संघ के बृजभूषण शरण सिंह है उनसे जुड़ा हुआ था, और कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। बृजभूषण के जो सेक्रेटरी है विनोद तोमर, उनके खिलाफ ये आरोप तय करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत हैं। आपको बताऊं कि बृजभूषण के खिलाफ धारा 354, जो कि किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल के लिए लगाया जाता है, उसके अलावा यौन उत्पीड़न की धारा 354A और उसके अलावा आपराधिक धमकी की धारा 506, इन सबको इस तरह से निश्चित करते हुए आरोप तय करने का आदेश दिया गया है। तो आप यूं समझिए कि संगीन धाराएं हैं, ऐसी संगीन धाराएं जिसमें बेल मिलना मुश्किल होगा, ऐसी धाराओं में आरोप तय करने की बात जो है वो कोर्ट ने कही है। और सबसे बड़ी बात कि इसके अलावा अब ये भी जानकारी आ रही है कि कोर्ट ने छठी महिला रेस्लर पीड़िता के सभी आरोपों से बरी किया है। जो एक और आरोप महिला रेस्लर लगा रही थी वो बरी कर दिया है, लेकिन जो पांच महिला रेस्लर हैं जो पीड़ित हैं, जो कि आरोप बृजभूषण पर लगा रही थी, उनको कोर्ट ने आधार माना है और उनके आरोपों को आधार मानते ही आरोप तय करने के आदेश दिए गए हैं। तो ये कह सकते हैं कि बृजभूषण के लिए ये एक बड़ा झटका कोर्ट से है, जिसके चलते अब उनको कानून के सामने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और दूसरी ओर सियासत भी तेज हो जाएगी। देखिए, सियासत तो लाजमी है तेज होना, क्योंकि कोर्ट की आदेश के बाद आप समझ सकते हैं कि विपक्ष जो है वो पूरी तरह से घेरेगा। अब तक बृजभूषण खुद को पाक साफ कह रहे थे कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन जिन साक्ष्यों और सबूतों को कोर्ट ने माना है दरअसल और आरोप तय करने की बात कही है, ये अपने आप में कहिए कि इस केस को ट्रायल के दौरान लेकर जा रहा है। और जाहिर है कि एक बृजभूषण की मुश्किलों को बढ़ाने वाला है, न्यायालय के चक्कर लगाने वाला है, और इसके तहत उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये पूरा केस और देखा गया उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, इसके अलावा पूरे देश में भी देखा जाए, इस केस को लेकर किस तरीके से राजनीति हुई, हालांकि अब आरोप तय और सियासत भी जोर मारेगी, ऐसे में चुनाव को अगर इसे कनेक्ट करें तो क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, एक बड़ा मुद्दा आप समझिए कि इसी से जुड़ा हुआ रहा है चुनाव के पहले से, ही महिला सुरक्षा का मुद्दा, कि इस देश में अगर जो महिलाएं हैं, रेसलर्स हैं, वीमेन रेसलर्स हैं, अगर उनकी इज्जत और आबरू पर सवाल उठते हैं और उनको न्याय नहीं मिलता है, तो फिर किसको न्याय मिलेगा? मतलब एक आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा जब देश की उन मेडल को जीतने वाली महिलाओं को, रेसलर्स को न्याय नहीं मिल पा रहा है? तो इस लड़ाई को आप समझिए कि अब
चुनाव के इस माहौल में किस तरह से विपक्ष धार दे सकता है, इसको आसानी समझा जा सकता है। महिला सुरक्षा का मुद्दा एक बड़ा प्रबल मुद्दा होगा, इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होंगे कि क्यों नहीं दरअसल उस वक्त ही पुलिस ने इसको आधार बना के FIR दर्ज किया, क्यों नहीं उसको जो है आरोप के कटघरे में खड़ा किया गया। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि खड़े होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि महिला रेसलर्स ने किस तरह से जंतर मंतर से लेके और कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ी है और उनको एक बड़ी जीत अब जो है वो साफ तौर पर देखा जाए तो इस कोर्ट ने दिया है। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इसके कारण राजनीति में उछल पुथल और उछाल तो जरूर आएगा। हम जानते हैं कि इन्हीं कारणों के चलते जो है ब्रजभूषण को टिकट भी बीजेपी ने नहीं दिया, लेकिन टिकट अब उनके परिवार में है, लिहाजा उनके लिए भी बड़ी मुश्किलें अब सामने आने। और एक सवाल ये देखिए, जिस तरीके से केंद्र की राजनीति करते रहे, लोकसभा से वो हालांकि पहुंचते रहे, लोग संसद में रहे, सवाल इस बात को लेकर यूपी में, अगर इसको यूपी से जोड़े तो क्या कहा जाए सियासत के मद्देनजर, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी ओर बीजेपी। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी का सिक्का चलता है तो योगी आदित्यनाथ का चलता है, और ये समझना लाजमी होगा कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई बड़ा सवाल योगी सरकार पर खड़ा नहीं कर सकता। लिहाजा ये एक इंडिविजुअल केस के तौर पर देखा जा सकता है, जिसको एग्जाम्पल के तौर पर विपक्ष कई जगहों पर पेश जरूर कर सकता है, लेकिन खास तौर पर अगर नुकसान की बात करें तो ये अगर कहीं बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है तो उनकी कंस्टिट्यूंसी में पहुंचा सकता है, और जाहिर तौर पर एक नैरेटिव को बिल्डअप करने में कि महिलाओं की इज्जत आबरू जो है उसको लेकर जो बड़े सवाल उठ रहे हैं उसको एक तरह से हम एड ऑन करते हुए देख सकते हैं, जो विपक्ष कर सकता है। तो निश्चित तौर पर चुनावी मुद्दा बनने लायक एक बड़ा मसला जो है वो दिखाई देता है, जो कि कोर्ट के रास्ते से निकलकर अब जनता के बीच चला जाएगा। एक सवाल ये भी है, यानी कि जो संकट के बादल हैं वो हमें नहीं लगता कि आने वाले दिनों में छट पाएंगे ब्रजभूषण के ऊपर से। देखिए, ब्रजभूषण की मुश्किलें तो बढ़ गई, क्योंकि अब जाहिर है कि आरोप तय होने के बाद वो प्रूव करें खुद को कि वो गिल्टी नहीं है, प्रूव करें कि उनके ऊपर जो लगे हुए आरोप हैं वो गलत हैं, वो एक लंबी कानूनी प्रक्रिया होगी, गंभीर लंबी लड़ाई होगी, और जाहिर है कि लड़ाई आसान नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट ने अगर आरोप तय करने के लिए कहा है तो कुछ ना कुछ कोर्ट को सब्सटेंस जरूर मिले होंगे, साक्ष्य जरूर मिले होंगे, और जाहिर है कि उनको तथ्यों के आधार पर ही कोर्ट ने ऐसा कहा होगा जैसा कि अमूमन देखा जाता है। लिहाजा ये लड़ाई लंबी होगी, जिसमें ब्रजभूषण के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, और इन मुश्किलों से वो कैसे पार पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा।